Pakistan has the world's largest third or fourth youth, and every year our around 10,000 graduates and masters approach to abroad just to get better employment opportunity. And then फिर हमारे हमें एक lackness होती है, हम reluctant हो जाते हैं, ये कहते हैं हमारे पास youth नहीं है. एक तो हम उन्हें opportunity provide नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते. फिर जब वो चले जाते हैं तो हमारे पास फिर ग्रीन नहीं है कि हम इंडस्ट्री का जो जो हमारा पोटेंशियल था वो तो चला गया. वी हैव रिसोर्सेज बट हम उन रिसोर्सेज को हैंडल करने में फेल हो चुके हैं. इवन आवर गवर्नमेंट इज आस्किंग फॉर फंड फॉर द डैम, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए डैम. वी आर नॉट इन पोजिशन टू डेवलप ए सिंगल डैम. तो हम 2015 का जो कॉन्सेप्ट है, तो हम इन तमाम इश्यूज को कैसे कोप अप करेंगे? इस वक्त हमारे पास आप पॉपुलेशन को देख लें, एजुकेशन को देख लें, ईच एंड एवरी सेक्टर, ग्राउंड रियलिटीज़ पर हम बात नहीं करते. वी टॉक अबाउट इश्यूज बट नॉट अबाउट द सॉल्यूशंस. तो अपने आप को कोई भी प्रोफेशनल कैसे प्रिपेयर करेगा, नॉट अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी विद ऑर्गेनाइजेशन. तो कैसे हम इन तमाम इशूज़ को कवर कर सकते हैं?